परेशानी ये है सर कि हम लोग का रेट कम है, रेट की वजह से परेशानी है। बस कितना रेट? रेट 3 रुपये 31 पैसे हरियाणा में है या 1 रुपये 80 पैसे है, क्योंकि वो मजदूरी यहाँ पर होना चाहिए, उसके बाद क्या लेबर आएगी। लेबर ले आने में हम लोग को बहुत कमी आता है क्योंकि रेट कम है हरियाणा में, यहाँ तक कि स्टेक का भी पैसा मिलता है। या अगर स्टेक का भी नहीं मिलता है, अगर फुल रेट हम लोग का लोडिंग का भी नहीं मिलेगा तो लेबर ले आना हम लोग को दिक्कत पड़ रहा है। एक एक लेबर को अभी ठीके पे ले आना पड़ता है, ऐसे हालत है मंडी का। रेट कम है, लेबर को मतलब यहाँ फायदा नहीं हो रहा है, इसी कारण हड़ताल रहेगा। हड़ताल रहेगा जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगा, तब तक हम लोग का हड़ताल रहेगा। मांग तो यही है ना, जो हरियाणा में लेबर चल रही है उस हिसाब न पंजाब की लेबर वही होनी चाहिए। हरियाणा में क्या रेट है? हरियाणा में 3 रुपये 31 पैसे लोड का रेट है। यहाँ पे जहाँ पे 1 रुपये 80 पैसे करीब पहले चले जा रही है, पहले ही चल रहे हैं। 2 पैसे 3 पैसे बाद दे, साल बाद 6 महीने बाद बस। और क्या मांगे इसके अलावा? मांगे और तो कुछ नहीं है, और तो सभी पंजाब के साथ ही है, जो पंजाब करेगा उसके साथ हम भी चलेंगे। कोई बातचीत हुई सीएम साहब से, जो पंजाब के लोग हैं? सीएम साहब से जो प्रधान को फोन किया था, नहीं कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई? नहीं बात। कब तक हड़ताल रहेगा आप लोगों का? जितना देर फैसला जो था उसमें हड़ताल ही है। हड़ताल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, पक्का। कोई काम नहीं होगा यहाँ? नहीं होगा काम। कितने लेबर है यहाँ पे? होगा 700-800 बंदा तो होगा लेबर का। हाँ, नवा शहर में। सही प्रवासी है? प्रवासी सबसे ज्यादा प्रवासी है, प्रवासी काम करते हैं। 800 तकरीबन। डिमांड क्या जो धरना दे रखा है? डिमांड जो रेट हरियाणा का चल रहा है, और रेट चाहिए हम लोगों का इधर। हरियाणा क्या रेट चल रहा है? हरियाणा लोडिंग 3 रुपया 80 पैसा है, यहाँ पे 1 रुपया 80 पैसा लोडिंग है पंजाब में जी। तो पहले कोई बात मांग सरकार से मांग नहीं किया बढ़ाने के लिए? रेट नहीं बढ़ाया, मांग तो किया था, पहले भी किया था, रेट नहीं बढ़ा रहा है। ये कब तक हड़ताल रखेगा इस तरह? ये जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक हड़ताल चलेगा ही। अभी तो आरती भी हड़ताल कर रखा है, आरती भी हड़ताल है, सेलर भी है, तुम लोग हड़ताल कर दिए? जी, हम लोग भी हड़ताल कर दिए। अब जो किसान अपना फसल लेके आएगा कैसे होगा? कुछ नहीं काम करोगे फिर? नहीं, कुछ नहीं करेंगे। कोई काम नहीं करोगे? नहीं। और कोई डिमांड इसके अलावा? इसका डिमांड यही है कि धांक धोंक लगाते हैं, उसका हम लोगों का कुछ नहीं मिलता है। नहीं, क्या बात? धरना रेट का है मसला, सब रेट नहीं सरकार दे रहा है ना, सरकार तो बहुत नीचे रेट है। इस बार हम लोग का रोटी रोजी बन नहीं रहा है, अब रोटी रोजी के लिए सब काम कर रहे हैं जी। अब रोटी रोजी जब नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? या बंद करेंगे या नहीं छोड़ देंगे काम, यही हो सकता है। जब सरकार जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा करेगा, जब तक पूरा रेट नहीं देगा ऐसे, यानी कि पूरा रेट जैसे हरियाणा में है, हरियाणा में जैसे रेट चल रहा है वहाँ पर पंजाब में लागू किया जाए। अगर जब पंजाब में नहीं लागू करोगे तो हम लोग बंद ही करेंगे काम, यानी कि बिल्कुल बंद करके रखें। वहाँ भी प्रवासी काम करते हैं उनको? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पर पंजाब में 1 रुपये 80 पैसे जी जी, वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, हम लोग का ही साथ का ही लोग है, पर वहाँ पर रेट फुल है। हरियाणा जाके खुश है, यहाँ पंजाब में आके खुश नहीं है कोई। लेबर लेबर के अगर जो पंजाब में कहता है कि हम पंजाब में क्या करेंगे, वहाँ तो रेट ही नहीं है। पर सीएम साहब को यहाँ वक्त नहीं है कि किसी से मिलूँ ना मिलूँ, पर यानी कोई भी मजदूर मर जाए जो हो जाए उसको फर्क नहीं है, यानी कि मंडी कई बार एक बार दें 4 बार आज करते फसला, पिछले साल यही बात हुआ था, कनक में वही बात हो गई। अब झूना आ गए, झूना में कल परसों से यही आते, मिलेंगे होएगा ना मिलेंगे, जब कब तक चलता रहेगा? जब तक रेट नहीं मिलेगा जब तक बंद ही रहेगा।